कमेटी शहदाय पंजतन के जेरे एहतमाम मुरादाबाद महानगर में जारी 10 रोज़ा मुहाफिले अज़ा के दूसरे रोज़ 1 सितंबर को इतवार के रोज़ बाद नमाज इशा मकबरा रोड पर मकबरा पुलिस चौकी के बराबर वाली गली में ज़ुबैर अली नियाजी और नदीम नियाजी के मकान पर महफिले अज़ा मुनाकिद की गई, जिसमें कमेटी के सरपरस्त और खानकाहे नियाजिया बरेली शरीफ के खलीफा हज़रत सैयद सलमान मियाँ नियाजी की मौजूदगी में शहीदाने करबला को खिराज अकीदत पेश किया गया और नज़र पेश की गई। इस मौके पर मशहूर सनाख्वान नाज़िम नियाजी, नदीम नियाजी, शहजाद आलम नियाजी, ज़मीर नियाजी, ज़ुबैर अली नियाजी, मोहम्मद दानिश सल्लामहू, मोहम्मद हामिद सल्लामहू और अदनान वारसी वगैरह ने गुलहाए नातो मनाकिब पेश करने की सआदत हासिल की और बारगाहे इमाम आली मकाम में सलाम भी पेश किया गया। आखिर में नज़र पेश की गई और खलीफा हजरत सैयद सलमान मियाँ नियाजी ने अपने मखसूस अंदाज में दुआ फरमाई। इस दौरान सैयद फरीद हसन नियाजी एडवोकेट, सैयद अम्मार हसन नियाजी, सैयद बिलाल हसन नियाजी, सैयद नियाज हसन, सैयद उबैद हसन, मोहम्मद आजम उर्फ बबलू नियाजी, सैयद रागिब अली, साहिब खाना ज़ुबैर अली नियाजी व नदीम नियाजी,
जमाल वारसी, बिलाल वारसी, शाहिद अली, मोहम्मद अमान नियाजी, अकबर अली, मोहम्मद नाजिम वगैरह समेत काफ़ी तादाद में कमेटी शहदाए पंजतन के अहदेदारान व मेंबरान और दीगर खानकाही व निस्बती हजरात मौजूद रहे। महफिल की निजामत के फ़राइज़ शहजाद नियाजी ने बखूबी अंजाम दिए। कमेटी शहदाए पंजतन के ज़ेरे एहतमाम 2 सितंबर को पीर के रोज़ मोहल्ला गुनियाबाग मुरादाबाद में टाइल वाली मस्जिद के पास मशहूर नियाजी के मकान पर भी महफिल अज़ा का अहतमाम किया गया। इस सिलसिले की चौथी महफिल 2 सितंबर की रात को बाद नमाज ईशा मोहल्ला गुनियाबाग गली नंबर 4 मुरादाबाद में अल्ताफ़ नियाजी के मकान पर और पाँचवीं महफिल 3 सितंबर मंगल को बाद नमाज ईशा मोहल्ला सक्का अव्वल मुगलपुरा में हनीफ नियाजी के मकान पर होगी। ये सिलसिला 9 मुहर्रम मुताबिक 9 सितंबर तक जारी रहेगा और 10 मुहर्रम बरोज़ मंगल 2 बजे दिन करबला के लिए काशाने नियाजी मोहल्ला फैजगंज मुरादाबाद से जुलूस रवाना होगा।